गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। अंकित जी, बाल गुरु प्लस से मैं हूँ मीना। बाल गुरु प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आज हम आपके साथ सीए में करियर का रियलिटी चेक करेंगे। आप सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में विस्तार से बताइए। मेरा नाम अंकित गुप्ता है, मैं 2012 से सीए हूँ और प्रैक्टिस में हूँ। मेरी वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मेरे साथ पार्टनर है। हमारी फर्म का नाम अंकित सूरज एंड कंपनी है। आपने सी बनने का जो सपना था वो कब देखा और इसके पीछे का कारण क्या रहा? मैंने बचपन से ही सीए बनने का सपना देखा, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे ताऊजी भी सीए थे, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके जो अधूरे सपने रह गए थे उनको पूरा करने के लिए मैंने सीए बनना चाहा। सीए बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एक स्टूडेंट को सीए बनने तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में आप बताइए। सीए बनने के लिए एक विद्यार्थी को 12वीं पास होना आवश्यक है। 12वीं पास करने के बाद वो एक एंट्रेंस टेस्ट दे सकता है जिसका नाम सीपीटी है। सीपीटी पास करने के बाद उसे एक आईपीसीसी का एग्ज़ाम देना होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं। अगर वो पहला पार्ट क्लियर कर लेता है तो उसे आर्टिकलशिप लेनी होती है किसी सीए के अंडर में 3 साल के लिए। जैसे ही उसके आईपीसीसी के दोनों ग्रुप क्लियर होते हैं तो उसको फाइनल के एग्ज़ाम देने होते हैं। फाइनल में भी दो ग्रुप होते हैं, चार चार पेपर होते हैं, उसमें 8 पेपर को पास करके और आर्टिकलशिप पूर्ण करके वो एक मेंबरशिप ले सकता है सीए की। सीए बनने के लिए कौन से कोर्स करने होते हैं और इस कोर्स में कितने पैसे खर्च होते हैं? सीए बनने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया, जिसका नाम है सीपीटी। उसको क्लियर करने के वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है, उसके बाद वो सीए में एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेवल कोर्स है ये सीपीटी। उसको करने के बाद वो सीए के लिए आगे प्रस्यू करता है। अब इसकी फीस जैसे जो आईसीएआई ने निर्धारित की है सीपीटी से लेकर फाइनल तक की, वो 40,000 से 50,000 है। लेकिन कुछ विद्यार्थी देखा गया है कि वो प्राइवेट कोचिंग लेते हैं। जो बच्चे जैसे रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं या जिनको उचित रिसोर्सेज नहीं है वो कोचिंग में जाते हैं। कोचिंग की फीस अमूमन देखी गई है कि 15,000 से 20,000 प्रति सब्जेक्ट है। तो अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो लाखों में ये फीस पहुंच जाती है। इंस्टीट्यूट ने जो मिनिमम फीस है वो 40,000 से 50,000 रुपये है। सीए बनने में इंग्लिश की कितनी बड़ी भूमिका है, क्या इसके बिना भी सीए बना जा सकता है? इंस्टीट्यूट ने की तरफ से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, बच्चा दोनों उसमें पेपर लिख सकता है। लेकिन बाहरी दुनिया में इंग्लिश की बहुत भूमिका है। आप चाहे सीए के आप कोई एमबीए हो, कोई इंग्लिश तो बहुत ही आवश्यक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। कोई विदेश सीए बनने के बाद विदेश जाना चाहे तो इंग्लिश के बिना तो कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश होना, तो इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सीए के लिए जॉब के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और एक न्यू कमर को नौकरी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? सीए के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं अगर वो सीए क्लियर कर लेता है। आजकल काफ़ी बैंक सीए को हायर कर रहे हैं। फाइनेंस सेक्टर हुआ, लोन वाला सेक्टर हुआ, अकाउंट्स हुआ, टैक्सेशन हुआ, बहुत ही सारे फील्ड्स खुले हुए हैं जिसमें सीए आगे अपना भविष्य बना सकता है। एक सीए के लिए क्रिएटिविटी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, रिसर्च लेवल और मैनेजमेंट में से कौन महत्वपूर्ण है या सभी, इसके बारे में बताइए। जरूरी नहीं सीए ही, क्या किसी भी फील्ड में देखें तो बिना मैनेजमेंट, बिना लीडरशिप, बिना कम्युनिकेशन के कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हमें सभी सारी चीज़ों में परिपूर्ण होना पड़ेगा ताकि हम एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सके। हमें किसी भी चीज़ को लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, हम कैसे अपनी टीम को गाइड कर सकें, उसको कम्युनिकेशन, हम अपने विचारों को उसे बता सकें कि हम क्या चाहते हैं, तो सारी ही चीज़ महत्वपूर्ण है। छोटे शहरों और कस्बों के स्टूडेंट्स जिनका आमतौर पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं होता है, वह अपने सपने को कैसे पंख लगा सकते हैं? छोटे शहरों के बच्चों को जब रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं तो उनको कम से कम
अखबार पढ़ना चाहिए, जो बिजनेस न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिक्स टाइम, बिजनेस मैगजीन्स हैं, कम से कम वो उनको पढ़ें, लोगों से इंग्लिश में बात करें, लोगों से मिलें जुलें, ये नहीं कि एक सीमित दायरे में रहें, बाहर अपना दायरा बढ़ाएं। इंटरनेट जैसे रिसोर्सेज हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाहर उसे शहर में जाए, इससे अच्छा इंटरनेट पे भी वो स्टडी कर सकता है। काफ़ी चीज़ें आजकल ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट में काफ़ी चीज आगे आ गई है, सोशल नेटवर्किंग है, उससे वो सीख सकता है। उसे आर्टिकलशिप करनी चाहिए, ऑफिस में जाए, वहाँ सीखे, लोगों से मिले, ऑडिट पे जाता है बच्चा तो काफ़ी चीज़ें सीखता है। सीए को क्या काम करना होता है और किन किन जगहों पर इनकी ज़रूरत होती है? सीए को बेसिकली फाइनेंस देखना होता है, टैक्सेशन देखना होता है, इनकम टैक्स, इंटरनल टैक्सेशन, फाइनेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बिना कोई भी व्यापार बिना सीए के नहीं चल सकता है। हर एक जगह उस सीए की बहुत ही बड़ी भूमिका है। एक सीए को शुरुआती नौकरी कितने की मिलती है और इसका भविष्य कितना सुरक्षित होता है? अगर कोई सीए बनता है तो उसकी शुरुआती सैलरी 30 से 40 हज़ार रुपये एक सीए फर्म में देखी जाती है। बड़े अगर काबिलियत है तो 40 से 50 हज़ार रुपये भी प्राप्त कर सकता है। एमएनसीज में मिनिमम सैलरी 50 हज़ार है आज की तारीख में, और अगर उसकी अच्छी काबिलियत है तो एमएनसी 1 लाख रुपये तक का महीने का पैकेज है, और उसकी काबिलियत रही तो बहुत प्रमोशन मिल के भी ये मतलब अच्छा पैकेज तक प्राप्त कर सकता है। एक सीए को खुद की प्रैक्टिस और नौकरी में किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ता है? चैलेंजेस तो हर व्यापार में आते हैं, कोई भी नया व्यापार कर लीजिए। अगर जैसे अगर आप बैकग्राउंड नहीं है आपका, कि जैसे मेरे पिताजी सीए नहीं थे तो मुझे काफ़ी चैलेंजेस देखने पड़े। मुझे शुरुआत से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, मैंने पहला क्लाइंटों से मिला, उनसे काफ़ी अपने बारे में बताया, लोगों से मिलना जुलना, काफ़ी बिजनेस हाउसेज में मैंने लोगों से बातचीत की, डिपार्टमेंट गया, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, काफ़ी अपने लिंक बनाए, तो जाके आज हमारी ये स्थिति है कि हम एक अच्छे लेवल पे हैं। सीए बनने के लिए एक स्टूडेंट्स में ऐसी क्या चीज़ है जो उसमें होनी ही चाहिए, उसके बिना उसका सीए बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो सकता? सीए में कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डेडिकेशन के कोई भी विद्यार्थी सीए नहीं बन सकता। ये इसमें आसान है घुसना, लेकिन मुश्किल तब है निकलना। अगर एक बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, रेगुलर स्टडीज़ नहीं करेगा, तो सीए बनना मुश्किल है। उसको किताबें पढ़नी है, फाइनेंस की जो भी बाहर मार्केट में करंट अफेयर हैं, जो भी नए टैक्सेशन, बजट, सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। अगर वो उस पर ध्यान नहीं रखेगा तो एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाएगा। एक सीए के तौर पर आप अपने अब तक के सफर को किस रूप में देखते हैं और कितने संतुष्ट हैं? काफ़ी चैलेंजिंग रहा, काफ़ी करेज, मतलब मैंने उसमें करेज रखा ताकि मैं एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकूं। मतलब धैर्य रखा मैंने कि हम काफ़ी परेशानी को फेस करते हुए आज 4 साल हो गए हैं हमें। इसमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना आवश्यक है कि हाँ, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और काफ़ी अपडेट रखना पड़ता है अपने आप को। काफ़ी मैगजीन, बिजनेस मैगजीन, अखबार पढ़ के हम अपने आप को अपडेट रखते हैं। क्या एक सीए के तौर पर आप आर्थिक रूप से संतुष्ट हैं? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हम कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो हम कुछ और कर लेते? नहीं, मैं पूरा संतुष्ट हूँ, और हम आगे भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी फर्म में 2 पार्टनर हैं, हम आगे इसको और पार्टनर रख के हम ब्रांचेस खोल रहे हैं, और आर्थिक संतुष्ट हैं, और हम इसी दिशा में काम करेंगे आगे। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और सीए बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप सीए करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ें। जो इंस्टीट्यूट ने किताबें दी हैं, प्रैक्टिस मैनुअल, रिविजन टेस्ट पेपर हैं, उस पर ध्यान कैसे पढ़ें, जो भी पुराने पेपर हैं उनको ध्यान से पढ़ें, ताकि उससे आपको पैटर्न पता लगेगा कि किस तरह से पेपर आते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, आप रेगुलर रहें और अच्छे नंबरों से पास होंगे। आपकी जो फर्म है उसके बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया कि 2012 से हम हैं, इसमें मेरी वाइफ और मैं दोनों पार्टनर हैं, और हमारी नोएडा में ब्रांच है और मोदीनगर में ब्रांच है। और कोई अगर जानकारी चाहिए या कोई भी बच्चा कोई प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे को संपर्क कर सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 9716-344-893,
और ईमेल आईडी है ca.ankitsuraj@gmail.com। बाल गुरु से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।